सिंगरौली जिले के एनसीएल मुख्यालय के अंतर्गत जैन परियोजना में मुआवजे की मांग को लेकर मैढ़ोली के विस्थापितों ने एनसीएल के जैन परियोजना के सीएचपी हापड़ में पास जमकर किया आंदोलन। आपको बता दें कि 8 वर्ष पहले एनसीएल के जैन परियोजना द्वारा वार्ड क्रमांक 10 मैढ़ोली का नापी किया गया था, जिसका मुआवजा का वितरण एनसीएल के जैन परियोजना द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। विस्थापितों के बीच में वार्ता करने आए एनसीएल के बीएल शुक्ला जीएम माइंस से जब मीडिया कर्मी बात करना चाहते थे तो बीएल शुक्ला कैमरे से बच भाग खड़े हुए, जबकि मीडिया कर्मी बीएल शुक्ला के पीछे पीछे कैमरा लेकर कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे, लेकिन बीएल शुक्ला सीधे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। लोगों द्वारा बताया गया कि जयंत खाद्यान्न धीरे धीरे बस्ती की ओर बढ़ने की वजह से एवं तेज ब्लास्टिंग होने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से कुछ ग्रामीण दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। एनसीएल का कहना है कि जो मकान गिर चुका है उसका मुआवजा वितरण नहीं किया जाएगा, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। देखिए, मैं आरपी सिंह ग्राम मढ़ौली से विस्थापित हूं और विस्थापितों की समस्या को लेकर के हम लोग यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि एनसीएल जयंत परियोजना द्वारा अपने खदान के विस्तार के लिए ग्राम मढ़ौली का विस्थापन 2009 से कर रहा है और 2011 में इनकी सभी धाराएं कंप्लीट हुई और इसके बाद 13-14 में इन्होंने मकानों का नापी करने का काम किया और घरों में नंबरिंग किया, वीडियोग्राफी किया, फोटोग्राफी किया और नापी किया। इसके बाद इनका मुआवजा सेक्शन का कार्यक्रम हुआ जो इन्होंने बोर्ड से पास कराया। इसके बाद जुलाई 2017 में ये मुआवजा बांटना चालू किए, जिसमें इनके आपसी कुछ कारणों से इन्होंने पहले ज़मीन और मकान दोनों का मुआवजा दे रहे थे, फिर इन्होंने ज़मीन का केवल देना चालू किया और वो भी कम राशि देना चालू किया। इन्होंने कहा कि अंडर प्रोटेस्ट करके आप लीजिए। इसके बाद ये कुछ मकानों का भी पेमेंट दिए, लेकिन 2017 से ये बंद कर दिए। एक हड़ताल इसके पहले भी हेडक्वार्टर में हुई थी, इन्होंने उस टाइम पे वादा किया था कि हम 60 से 90 दिनों के अंदर जिला प्रशासन से मिल करके हम सभी भुगतान को सुनिश्चित कराएंगे, लेकिन वो भुगतान आज तक नहीं हुआ। और आज जब विस्थापित जाते हैं ऑफिस में तो ये कहते हैं कि फिर से आपके घरों की नापी होगी, इसके बाद मुआवजा दिया जाएगा और 19% कम राशि दे रहे हैं। तो विस्थापितों में आक्रोश है और वो जानना चाहते हैं कि हमारे घरों की नापी बार बार क्यों की जा रही है और हमारे पैसे को बार बार कम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनको सही न्याय पाने के लिए लोग चाहते हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। इसके लिए विस्थापितों ने कई बार प्रयास किया, कुंदन भैया ने उसकी अगुवाई की और अभी 2-3 बार और एक बार टेलर भी रोका गया, इसके बाद आज CHP रोका गया। उसके बाद भी NCL और जिला प्रशासन जो है इसको अपने संज्ञान में गंभीरता से नहीं ले रहा है, जो विस्थापितों के साथ कहीं ना कहीं दिखता है कि जिला प्रशासन और NCL प्रबंधन गंभीर नहीं है और विस्थापितों की समस्या और जटिल होती जा रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसका कोई ठोस निर्णय निकाला जाए और विस्थापितों को हकों को जो उनका अधिकार बनता है उससे दिया जाए, सही तरीके से दिया जाए। विस्थापित अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो जीवन और जीविका दोनों से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। अभी NCL के कर्मचारी आए यहाँ पर, हमारे शुक्ला जी जो कि GM माइंस हैं वो आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 तारीख को हमारी जिला प्रशासन के साथ तीनों लोगों के साथ वार्ता होगी, जिसमें प्रबंधन भी होगा और विस्थापित भी होंगे, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो उसके आगे काम किया जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी कई बार मीटिंगें हुई और जिला प्रशासन ने भी कहा कि विस्थापितों के हक में जो हो उसको आप तत्काल निराकरण करें, लेकिन ये ऑफिस में आने के बाद फिर उस बात को भूल जाते हैं, चाहे वो नौकरी की फाइल हो, चाहे विस्थापन मुआवजे की बात हो, चाहे बहुत पुरानी आपको बात बताएं तो बहुत सारे 1998 के भी बहुत सारे लोगों के मुआवजे पेंडिंग हैं, नौकरी 1983-85 और 1998 वाले फाइलों के भी बाकी हैं। तो जिला प्रशासन इस पर भी थोड़ी गंभीरता के साथ NCL को कोई आदेशित करें कि वो सही तरीके से विस्थापितों का न्याय करें और उनके हक को दिलाया जाए।